हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनटीपीसी ग्रुप डी और एमआई कैटेगरी का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल अपडेट के लिए। जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एग्ज़ाम डेट है, रिजल्ट डेट है, वो कब तक हो सकती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था जो रेलवे ने अपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है वो स्टार्ट कर दिए हैं और 26 जून से आपका जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। जेई के लिए जो एग्ज़ाम थे वो कंडक्ट कराने उसका जो शेड्यूल है रेलवे ने जारी कर दिया गया, और ये जो नोटिस है ये जयपुर की तरफ से आया है, यानी कि जो आरआरबी बोर्ड जयपुर है वहाँ से ये नोटिस पब्लिश हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके एनटीपीसी का जो 7th फेज बचा है उसका जो एग्ज़ाम है वो जून में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जुलाई तक आपका ये तय है कि आपके जुलाई के 1st वीक या 2nd वीक में आपका जो है 7th फेज का जो शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। लेकिन एमआई कैटेगरी के रिजल्ट की जो डेट है वो आप देख सकते हैं कि जैसे ही एनटीपीसी के 7th फेज का एग्ज़ाम क्लियर होगा वैसे ही आपको एमआई कैटेगरी का जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने ये नोटिस दिखाया था। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए शेड्यूल जारी किया है, प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और आपने अगर अभी तक अपनी प्रिपरेशन को ठीक तरह से नहीं शुरू किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। इससे आप ये जान लीजिए कि अब जो रेलवे है अपनी रिक्रूटमेंट को लेकर पॉजिटिविटी दिखा रहा है, हर दिन कोई ना कोई नोटिस, कोई ना कोई जानकारी दे रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आपके जो एग्ज़ाम है अब होने ही वाले हैं, इसमें कोई डिले नहीं है कि आपके एग्ज़ाम अब ना हो। हाँ, अगर कोविड का दोबारा से इफ़ेक्ट नहीं आता है तो आपके एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में हो जाएंगे, और आपका जो रिज़ल्ट है एनटीपीसी का वो जुलाई के लास्ट तक या फिर सितंबर में आपके रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे आंसर की के बाद। क्योंकि जो ये टाइम 1-2 महीने डिले हुआ है इसके अंदर आपके रिजल्ट अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से, ये लॉकडाउन की वजह से रिजल्ट नहीं आ पाया है। और रेलवे पहले ही बोल चुका है कि जो एनटीपीसी की जो परीक्षा है वो 2021 तक वो कंप्लीट करवा दी जाएंगी। तो इसके अंदर ही इन्हें एडमिट कार्ड भी जारी करने हैं और रिजल्ट भी जारी करना, और भर्ती परीक्षा जो भी है वो पूरी करनी है। तो आप तैयार हो जाइए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।